हमारी हर वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ये बगल में जो घंटी दिख रही है इसे भी दबा दो। अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो हम कोई भी वीडियो अपने चैनल पर डालेंगे तो वो वीडियो आपके पास ज़रूर पहुंचेगी और आप उसे देख पाएंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं पंकज तिवारी फ्रॉम गोंडा। दोस्तों मैं इस वीडियो में आपको पोस्टल कोड के बारे में बताने वाला हूं। बिल्कुल सही सुना आपने, पोस्टल कोड क्या होता है, इसे कैसे प्राप्त करें, इसी के बारे में इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि पोस्टल कोड क्या होता है, इसे कैसे हम प्राप्त करें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों शुरू करने से पहले मैं हमेशा की तरह एक बार फिर आपसे वही कहना चाहूँगा जो मैं पहले कहा करता था। प्लीज़ यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में घंटी को भी बजा देना, हिला देना। इससे क्या होगा, जब हम कोई भी वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगी और आप हमारे सबसे पहले हर वीडियो आसानी से देख पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि पोस्टल कोड क्या है। व्हाट इज पोस्टल कोड, पोस्टल कोड क्या है, इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं। दोस्तों पोस्टल कोड, हम पिन कोड को ही पोस्टल कोड कहते हैं। पिन कोड तो सभी लोग शायद जानते होंगे कि अपने एरिया का पिन कोड, तो उसी पिन कोड को हम पोस्टल कोड कहते हैं और जिप कोड भी कहते हैं। बिल्कुल सही सुना आपने, पिन कोड को ही पोस्टल कोड कहते हैं और जिप कोड भी कहते हैं। बहुत सारे लोग यही कन्फ्यूज थे कि पोस्टल कोड क्या है। घबराने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, बिल्कुल आसान तरीका है ये। पिन कोड को ही पोस्टल कोड कहते हैं। शायद सभी लोग जानते होंगे अपने यहाँ का पिन कोड, और जो लोग नहीं जानते हैं उनको इस वीडियो में मैं बता दे रहा हूँ कि वो कैसे गूगल से अपना पिन कोड प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपने क्रोम ब्राउज़र पर जाएंगे गूगल में और वहाँ टाइप करेंगे www.postalcode.com। तो चलिए हम टाइप कर लेते हैं www.postalcode.com। टाइप करने के बाद सर्च करेंगे तो ये सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे जो फाइंड पिन कोड इंडिया पोस्ट, इस पर नहीं, जो सेकंड वाले ऑप्शन है इंडिया पोस्टल कोड, इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद बस दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, केवल ऊपर आपको नज़र से देखना है, ध्यान से देखना है। ऊपर लिखा हुआ है एड्रेस, कंट्री, सिटी और पोस्टल कोड। इन तीनों में से कुछ भी आप डाल दीजिए अपना, तो आपका पोस्टल कोड बता देगा। चलिए हम अपने ज़िला का पोस्टल कोड जान लेते हैं, अपने डिस्ट्रिक्ट का पोस्टल कोड जान लेते हैं। तो चलिए हम अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम डालते हैं गोंडा, गोंडा, और फिर सर्च कर लिए। दोस्तों यहाँ नीचे देख सकते हैं गोंडा का पोस्टल कोड आ चुका है 27 11 23। यही हमारा गोंडा का पिन कोड भी है, यही हमारे गोंडा का जिप कोड भी है, यही हमारा गोंडा का पोस्टल कोड है। मतलब पिन कोड को ही पोस्टल, जिप कोड भी कहते हैं, पोस्टल कोड भी कहते हैं, पिन कोड भी कहते हैं। तो इसी तरीका से दोस्तों आप कहीं का भी केवल कंट्री या सिटी, कुछ दोनों तीनों में से कुछ एक डाल देंगे तो बता देगा कि वहाँ का पिन कोड क्या है, पोस्टल कोड क्या है। तो दोस्तों शायद अब हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ यार लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। और अगर कोई परेशानी आपको होती है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ लेना, हम आपको सब बता देंगे क्या प्रॉब्लम है। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल सिंपल तरीका है, आसान तरीका है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके बाय।